ये कहानी सन 1959 की है, जब मुंबई बॉम्बे हुआ करता था और गुजरात और महाराष्ट्र। उड़ते हुए एयर जेट्स, लहराता हुआ तिरंगा और उन जेट्स में बैठा एक ऑफिसर। क्या फाइटर के ऋतिक की जगह अक्षय को इमेजिन कर सकते हो? क्योंकि अक्षय करेंगे स्काईफोर्स से पेट्रियोटिक थीम में वापसी, जो फिलहाल गई है टल। इस साल अक्षय कुमार की तीसरी फिल्म खेल खेल में सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, जिसकी टक्कर राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर की स्त्री 2 और जॉन अब्राहम की वेदा से हुई है। अक्षय कुमार एक साल में कई फिल्में करने के लिए जाने जाते हैं। इस साल अब तक उनकी 3 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं, जिसमें बड़े मियां छोटे मियां, सरफिरा और खेल खेल में का नाम शामिल है। पहली 2 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। अब मेकर्स को उनकी आने वाली फिल्म स्काईफोर्स से काफी उम्मीदें हैं। खबरें थी कि स्काईफोर्स का प्रोमो 3-2 के साथ अटैच होने वाला है, जिसकी रिलीज डेट बदल दी गई है। पिक्चर की रिलीज डेट जो पहले अगले साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे पर रिलीज होगी। कहा जा रहा है कि लगातार फ्लॉप हो रही फिल्मों के बीच अक्षय कुमार ब्रेक लेना चाहते हैं। इस ब्रेक के बाद अक्षय एक बार फिर फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। स्काईफोर्स के मेकर्स भी अक्षय की फिल्मों के बीच गैप रखना चाहते हैं। अक्षय की फिल्में एक के बाद एक लगातार फ्लॉप हो रही हैं। कुछ ट्रेड एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि वो बड़े पर्दे पर बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। उनकी फिल्मों के फ्लॉप होने की ये वजह हो सकती है। हो सकता है कि अगर वो छोटे गैप के बाद वापसी करते हैं तो उनकी फिल्में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। स्काईफोर्स में अक्षय कुमार एयर फोर्स ऑफिसर के किरदार में नजर आने वाले हैं। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी। ये मूवी असल घटनाओं से प्रेरित है, जो में भी पेट्रियोटिक मूवी भी हो सकती है। इसलिए इसे 26 जनवरी को रिलीज किया जा रहा है। और अगर इसके टाइटल पर गौर करें तो ये स्काईफोर्स है, मतलब कि ये फिल्म एयरफोर्स आर्मी पर बेस्ड हो सकती है। जैसे हमने फाइटर और ऑपरेशन वैलेंटाइन में देखा, तो इसकी कहानी भी एयरफोर्स आर्मी के रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड हो सकती है। अगर अक्षय की हाल ही में फिल्म्स की बात करें, उनकी कमाई की बात करें, तो उनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़े मियां छोटे मियां का बजट करीब 350 करोड़ रुपए था। वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 111 करोड़ रुपए। सरफिरा 85 करोड़ रुपए के बजट में बनी। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 33.25 करोड़ रुपए का कारोबार किया। तो देखा जाए तो अक्षय कुमार को एक बहुत सॉलिड कमबैक करने की जरूरत है। वेल, आप अक्षय कुमार की इस कमबैक के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन, कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियो। बिकम एन एक्टर इन बॉलीवुड। व्हाट्सएप हाई टू 8828850888।